हाथी मत्था त्रिकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा, वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई, हाथी के माथे सी समतल जगा यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था, करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की, जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को किसी जगह पे आके सांझ ढली थी, फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत, बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा, संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो, माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लेन में लग लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो, बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो 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 माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो भाई माता की शरण। चलो माता की शरण, माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। काल कंधौली नाम बना है दो दो शब्द मिलाकर, काल का अर्थ कटोरा और कंधौली मन हिलाकर।
एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी, प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी। माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली, फूट पड़ी जल थारा नाम पड़ गया कौन कंधोली। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पाण गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन, माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन। भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी, माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी। किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा, बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था, वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था। पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई, देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी, और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं पारी। तभी तपस्वी बोल उठा माँ जय जय आदि कुमारी। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। हाथी मत्था तिरकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा, वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई, हाथी के माथे सी समतल जगह यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था, करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की, जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को किसी जगह पे आके सांझ ढली थी, फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत, बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा, संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो, माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लैन में लग लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो, बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो।
पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, माता वैष्णो देवी यात्रा। वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो 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 माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो भाई माता की शरण। चलो माता की शरण, माता की शरण, चलो माता की शरण, माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। काल कंधौली नाम बना है दो दो शब्द मिलाकर, काल का अर्थ कटोरा और कंधौली मायने हिलाकर, एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी, प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी, माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली, फूट पड़ी जल धारा नाम पड़ गया कौल कंधौली, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पार गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन, माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन, भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी, माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी, किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा, बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था, वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था, पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई, देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई, और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी, और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी, तभी तपस्वी बोल उठा माँ जय जय आदि कुमारी, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण,
चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। हाथी मत्था त्रिकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा, वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई, हाथी के माथे सी समतल जगा यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था, करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की, जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को किसी जगह पे आके सांझ ढली थी, फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत, बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा, संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो, माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लैन में लग लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो, बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो 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 माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो भाई माता की शरण। चलो माता की शरण, माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। काल कंधौली नाम बना है दो दो शब्द मिलाकर, काल का अर्थ कटोरा और कंधौली मायने हिलाकर।
एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी, प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी। माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली, फूट पड़ी जल धारा नाम पड़ गया कौन कंधोली। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पार गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन, माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन। भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी, माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी। किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा, बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था, वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था। पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई, देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी, और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं पारी। तभी तपस्वी बोल उठा माँ जय जय आदि कुमारी। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। हाथी मत्था तिरकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा, वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई, हाथी के माथे सी समतल जगा यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था, करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की, जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को किसी जगह पे आके सांझ ढली थी, फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत, बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा, संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो, माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लेन में लग लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो,
बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो, पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो, चलो गए माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, माता वैष्णो देवी यात्रा। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो 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 माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो भाई माता की शरण। माता की शरण, चलो माता शरण, चलो माता की शरण, माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। काल कंधौली नाम बना है दो दो शब्द मिलाकर, काल का अर्थ कटोरा और कंधौली मन हिलाकर, एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी, प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी, माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली, फूट पड़ी जल धारा नाम पड़ गया कौन कंधौली, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पाण गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन, माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन, भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी, माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी, किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा, बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था, वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था, पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई, देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई, और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी, और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी,
तभी तपस्वी बोल उठा माँ, जय जय याद कुमारी, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। हाथी मत्था तिरकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा, वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई, हाथी के माथे सी समतल जगा यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था, करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की, जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को इसी जगह पे आके सांझ ढली थी, फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत, बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा, संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो, माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लैन में लग लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो, बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो 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 माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो भाई माता की शरण। चलो माता की शरण, माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। काल कंधौली नाम
बना है दो दो शब्द मिलाकर। कौल का अर्थ कटोरा और कंधौली मायने हिलाकर। एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी, प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी। माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली, फूट पड़ी जल धारा नाम पड़ गया कौल कंधौली। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पाण गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन, माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन। भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी, माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी। किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा, बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था, वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था। पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई, देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी, और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी। तभी तपस्वी बोल उठा माँ जय जय आदि कुमारी। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। हाथी मत्था तिरकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा, वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई, हाथी के माथे सी समतल जगह यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था, करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की, जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को इसी जगह पे आके सांझ ढली थी, फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत, बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा, संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो, माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लैन में लग लो।
बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो। चलो गए माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो 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 माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो भाई माता की शरण। चलो माता की शरण, माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। काल कंधौली नाम बना है दो दो शब्द मिलाकर। काल का अर्थ कटोरा और कंधौली मायने हिलाकर। एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी। प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी। माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली। फूट पड़ी जल धारा नाम पड़ गया कौल कंधौली। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पाण गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन। माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन। भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी। माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी। किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा। बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था। वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था। पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई। देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी।
तभी तपस्वी बोल उठा माँ जय जय यादव कुमारी चलो भाई माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण। हाथी मत्था तिरकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई हाथी के माथे सी समतल जगा यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था चलो भाई माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को किसी जगह पे आके सांझ ढली थी फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत चलो भाई माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्त वैष्णवी का बगीचा संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लैन में लग लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो चलो भाई माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा देवी यात्रा सफल करे जीवन चलो भाई माता की शरण चलो 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 माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन चलो भाई माता की शरण चलो भाई माता की शरण। चलो माता की शरण माता की शरण चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन चलो भाई माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण। काल का
कांधोली नाम बना है, दो दो शब्द मिलाकर काल का अर्थ कटोरा और कंधोली मन हिलाकर। एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी, प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी। माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली, फूट पड़ी जल धारा नाम पड़ गया कौन कंधोली। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पाण गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन, माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन। भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी, माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी। किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा, बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था, वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था। पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई, देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी, और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी। तभी तपस्वी बोल उठा माँ जय जय आदि कुमारी। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। हाथी मत्था त्रिकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा, वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई, हाथी के माथे सी समतल जगा यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था, करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की, जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को किसी जगह पे आके सांझ ढली थी, फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत, बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा, संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो, माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लेन में लग लो।
चढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो 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 माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो भाई माता की शरण। चलो माता की शरण, माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। काल कंधौली नाम बना है दो दो शब्द मिलाकर। काल का अर्थ कटोरा और कंधौली मायने हिलाकर। एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी। प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी। माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली। फूट पड़ी जल थारा नाम पड़ गया कौल कंधौली। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पाण गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन। माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन। भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी। माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी। किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा। बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था। वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था। पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई। देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी।
तभी तपस्वी बोल उठा माँ जय जय यादि कुमारी। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। हाथी मत था तिरकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा, वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई, हाथी के माथे सी समतल जगा यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था, करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी माथा। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की, जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को किसी जगह पे आके सांझ ढली थी, फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत, बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा, संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो, माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लैन में लग लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो, बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो 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 माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन, चलो भाई माता की शरण, चलो भाई माता की शरण। चलो माता की शरण, माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। काल
कंधौली नाम बना है, दो दो शब्द मिलाकर। कौल का अर्थ कटोरा और कंधौली मायने हिलाकर। एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी, प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी। माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली, फूट पड़ी जल धारा नाम पड़ गया कौल कंधौली। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पाण गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन, माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन। भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी, माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी। किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा, बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था, वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था। पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई, देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी, और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी। तभी तपस्वी बोल उठा माँ जय जय याद कुमारी। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। हाथी मत्था तिरकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा, वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई, हाथी के माथे सी समतल जगा यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था, करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की, जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को किसी जगह पे आके सांझ ढली थी, फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत, बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा, संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो, माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लेन में लग लो।
पढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो। चलो गए माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो 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 माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो भाई माता की शरण। माता की शरण, चलो माता शरण, माता की शरण, चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। काल कंधौली नाम बना है दो दो शब्द मिलाकर। काल का अर्थ कटोरा और कंधौली मन हिलाकर। एक बार माँ कन्या बन बच्चों में खेल रही थी। प्यास लगी पर पास में कोई जल की आस नहीं थी। माँ ने एक कटोरा लेकर हाथ से दी हिचकोली। फूट पड़ी जल धारा नाम पड़ गया कौल कंधौली। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। पार गंगा जल की धारा निर्झर बहती पावन। माँ की कथा सुनाती है ये जगह बड़ी मन भावन। भैरव से बचते बचते जब आई यहाँ भवानी। माँ का सेवक लांगुर वीर थका और मांगा पानी। किंतु माता रानी का तो खेल है रंग बिरंगा। बाण मार पत्थर से निकाली माँ ने बाण गंगा। चलो भाई माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण, चलो माता की शरण। आदि कुमारी जगह पे एक तपस्वी तप करता था। वो भक्ति में लीन था ऐसा जिसको कुछ न पता था। पवन रूप में वैष्णो माता जब उस जगह पे आई। देख तपस्वी को माता ने दिव्य छवि दिखलाई। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी। और कहा कि आदि अनादि काल से हूँ मैं कुंवारी।
तभी तपस्वी बोल उठा मां जय जय याद कुमारी चलो भाई माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण। हाथी मत्था तिरकुट पर्वत का है प्यारा हिस्सा वैष्णो माता और भैरव का बतलाता है किस्सा। इससे पहले हाथी सूंड सी हाथी खड़ी चढ़ाई हाथी के माथे सी समतल जगा यही है पाई। करता है आराम यहाँ पर आ भक्तों का जत्था करता है आराम यहाँ आकर भक्तों का जत्था। जय माता की जोर से बुलवाता है हाथी मत्था चलो भाई माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण। सांझी छत है सबसे ऊंची चोटी इस पर्वत की जिसको उपमा दी भक्तों ने एक सुंदर सी छत की। वैष्णो माँ को किसी जगह पे आके सांझ ढली थी फिर माँ धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चली थी। यहाँ पे सबसे सुंदर दिखलाई देता है पर्वत बड़ी मनोहर जगह है भक्तों देखो सांझी छत चलो भाई माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण। चलते चलते आया भक्तों वैष्णवी का बगीचा संभल के चलना जरा बगीचा है कुछ ऊंचा नीचा। आगे बढ़ स्नान करो फिर अपने कपड़े बदलो माँ की सेवा भेंट गोद में लेकर लेन में लग लो। बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो बढ़ो गुफा में माँ के चरणों में बहता जल भर लो। पिंडी रूप में वैष्णो देवी माँ के दर्शन कर लो चलो भाई माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण चलो माता की शरण। माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन चलो भाई माता की शरण चलो 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 माता वैष्णो देवी यात्रा सफल करे जीवन चलो भाई माता की शरण चलो भाई माता की शरण।